चलिए शुरू करते हैं राइट क्लिक गो टू फॉर्मेट बैकग्राउंड सिलेक्ट कलर देन क्लोज क्लिक द इंसर्ट टैब एंड शेप्स सिलेक्ट ओवल शेप क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब क्लिक ऑन शेप फिल सिलेक्ट कलर शेप आउटलाइन नो आउटलाइन साइज

Again duplicate size 4 centimeter and 4 centimeter. Put on here. Click on insert shapes. Select 32 point star format tab. Click the shape fill. Select color shape outline no outline. Size 2 cm and 2 cm. Put on here. Select 3 shapes. देन ग्रुप सिलेक्ट ऑल एंड ग्रुप राइट क्लिक गो टू फॉर्मेट शेप थ्री डी रोटेशन एक्स रोटेशन साइज थ्री ट्वेंटी फाइव सिलेक्ट दिस शेप थ्री डी फॉर्मैट टॉप से सिलेक्ट सर्कल नाइन्टी नाइन एंड नाइन्टी नाइन बॉटम से सिलेक्ट बेवेल साइज नाइन्टी नाइन एंड नाइन्टी नाइन सिलेक्ट दिस शेप टॉप से सिलेक्ट सर्कल साइज सेवेंटी फोर एंड सेवेंटी फोर बॉटम से सिलेक्ट सर्कल साइज़ सेवेंटी फोर एंड सेवेंटी फोर सिलेक्ट क्लिक ऑन थ्री डी रोटेशन डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड माइनस थर्टी सेवेन सिलेक्ट दिस शेप थ्री डी फोर टॉप से सिलेक्ट बेवेन विथ सेवेंटी वन हाइट सेवेंटी वन बॉटम से सिलेक्ट बेवेल साइज सेवेंटी वन एंड सेवेंटी वन थ्री डी रोटेशन साइज माइनस ट्वेंटी एट पॉइंट सिलेक्ट दिस शेप थ्री डी फॉर्मैट टॉप से सिलेक्ट बेवेल साइज ट्वेंटी एट एंड थर्टी सिक्स बॉटम से सिलेक्ट बेवेल साइज ट्वेंटी एट एंड थर्टी सिक्स क्लिक रोटेशन डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड साइज माइनस वन जीरो नाइन पॉइंट सिलेक्ट दिस शेप थ्री डी फॉर्मैट टॉप से सिलेक्ट सर्कल साइज फिफ्टी सेवन एंड फिफ्टी सेवन बॉटम से सिलेक्ट सर्कल साइज फिफ्टी सेवन एंड फिफ्टी सेवन थ्री डे रोटेशन साइज माइनस फोर्टी टू इंसर्ट shapes select oval format tab outline no outline size 4cm and 4cm click on fill direction select liner right adjust gradient stops position and transparency पुट ऑन हेयर सिलेक्ट स्नोमैन थ्री डे रोटेशन प्रेजेंट से नो रोटेशन इंसर्ट शेप्स सिलेक्ट ओहल फॉर्मेट टैप शेप फिल से सिलेक्ट कलर आउटलाइन नो आउटलाइन वन सेंटीमीटर एंड वन सेंटीमीटर क्लिक ऑन व्यू सिलेक्ट ग्रिड लाइन्स डुप्लीकेट प्लेस हेयर अगेन डुप्लीकेट साइज जीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर एंड जीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर प्लेस हेयर डुप्लीकेट प्लेस अगेन डुप्लीकेट क्लिक ऑन शेप फिल सिलेक्ट कलर इंसर्ट शेप्स सिलेक्ट ब्लॉकर्स गो टू फॉर्मेट शेप फिल से सिलेक्ट कलर आउटलाइन नो आउटलाइन रोटेट सिलेक्ट प्लेस प्लेसियर सिलेक्ट ऑल एंड ग्रुप थ्री डी रोटेशन एक्स साइज थ्री थर्टी सिलेक्ट दिस शेप थ्री डी फॉर्मेट टॉप से सिलेक्ट सर्कल विथ फिफ्टी सेवन एंड हाइट फिफ्टी सेवन थ्री डी रोटेशन साइज माइनस फोर सिलेक्ट टू शेप्स टॉप से सिलेक्ट सर्कल size 11 and 11 point 3d rotation size -31 select this shape 3d format top say select cool slant size 28 and 37 3d rotation distance size -4 select this shape थ्री डी फॉर्मैट टॉप से सिलेक्ट सर्कल थ्री डी रोटेशन डिस्टेंस साइज माइनस थर्टी फाइव थ्री डी फॉर्मेट टॉप से सिलेक्ट सर्कल साइज वन फोर एंड वन फोर थ्री डी रोटेशन डिसलेक्ट Distance size 1 point. Select this. Distance size 5 point. Select Snowman. 3D format. Click Material. Select Matti. Select these 4 shapes. Material say select Metal. 3D rotation. एक्स रोटेशन ट्वेंटी डिग्री इंसर्ट शेप्स सिलेक्ट ट्राइंगल फॉर्मेट आउटलाइन नो आउटलाइन शेप फील से सिलेक्ट कलर राइट क्लिक सिलेक्ट एडिट पॉइंट एंड एडजस्ट डुप्लीकेट साइज कम करेंगे रोटेट एडजस्ट डुप्लीसर सिलेक्ट एंड ग्रुप थ्री डी फॉर्मैट टॉप सेलेक्ट सर्कल सिलेक्ट स्नूमैन एक्स रोटेशन साइज थ्री फिफ्टी नाइन सिलेक्ट रोटेट सिलेक्ट फिप और प्लेयर एंड ग्रोप सेलेक्ट दिस क्लिक शेप फील सिलेक्ट नू फिल डुप्लीकेट रोटेट सिलेक्ट फ्लिप हॉरिजोंटल एंड दोनों को सिलेक्ट करके सेंट टू बैक Select shapes, go to animation, select spin, animation pane, timing, click on effect, select counterclockwise, custom 20 degree, and click auto reverse, timing. Start with previous, repeat until end of slide, then OK. Right click, go to Format Background, select Gradient Color, select Present Color, Direction, select Liner Down, Adjust Color. क्लिक ऑन शैडो प्रेजेंट से सिलेक्ट शेडो देन क्लोज तो आशा करता हूँ कि पावर पॉइंट में स्नोमैन कैसे बनाएं जो अभी सारिका ने आपको सिखाई हो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा पावर पॉइंट में स्नोमैन बनाना एक आपके प्रोजेक्ट में एक अलग ही जान डाल देता है तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए तो मिलते हैं ने, नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू